दोस्तों नमस्कार। आज हम शेर और चूहे की कहानी सुनेंगे। शेर और चूहा। एक बार की बात है, एक शेर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी अचानक उसे कुछ आभास हुआ कि छोटा सा कीड़ा या जानवर उसको परेशान कर रहा है। उसने अपने पंजे से उसको पकड़ लिया। देखा तो एक चूहा था। शेर ने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे पर ही मस्ती कर रहे हो। चूहे ने माफी मांगी कि मालिक मुझे माफ कर दो, मैं तो खेलता खेलता इधर आ गया। लेकिन शेर ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें सबक दूर सिखाऊंगा ताकि अगली बार तुम्हें याद रहे कि मैं कौन हूँ। चूहा बोला कि आपको कौन नहीं जानता मालिक, आप तो जंगल के राजा हैं, कृपया मुझे माफ कर दे, मैं भी आपके कभी काम आ सकता हूँ। इतने में शेर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इतना सा जानवर मेरे क्या काम आएगा। लेकिन शेर ने उसको माफ कर दिया। अब एक दिन शिकारी ने उसी शेर को जाल में फंसा लिया। तभी वहां वो चूहा आया और जाल को कुतरने लगा और धीरे धीरे चूहे ने सारा जाल कुतर दिया और शेर को आजाद कर दिया। और शेर बहुत खुश था क्योंकि उसकी मदद उसके नए दोस्त ने की थी। अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें माफ करना सीखना चाहिए और अपने को किसी छोटे पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा से छोटा भी व्यक्ति या कोई भी हमारे काम आ सकता है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें मस्ती की पाठशाला। धन्यवाद।